और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएमसी की मुलाकात, कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच करार। बथनाहा में नेपाल कस्टम यार्ड तक दोनों नेताओं ने चीन को दिखाई हरी झंडी। इम्फाल में बोले अमित शाह, दो गुटों में हिंसा की हुई शुरुआत, हिंसा मुक्त हो गया था मणिपुर, 6 साल में मणिपुर में हुआ विकास, हिंसा की जांच करेगा न्यायकारी। सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भगवान गणेश का लिया आशीर्वाद, मुंबई में व्यापारियों के साथ की बैठक। राहुल गांधी अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हुए शामिल, न्यू ग्लोबल इक्विलिब्रियम टॉपिक पर हुई चर्चा, लोगों के साथ ली सेल्फी। चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का मास्टर स्ट्रोक, अहिल्या बाई होलकर जयंती पर किया ऐलान, अहिल्या नगर नाम से जाना जाएगा अहमदनगर। दिल्ली के साक्षी के हत्यारे मोहम्मद साहिल की बढ़ी पुलिस रिमांड, रोहिणी कोर्ट में 3 दिनों की रिमांड बढ़ाई, साहिल ने चाकू गोद कर पत्थर से कुचलकर साक्षी की ली थी जान। महंगाई से लोगों को राहत, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें घटी, 83 रुपये कम हुई कीमत, घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की से किया कोर्ट मैरिज, अब निकाह की तैयारी, लड़की के परिजनों ने लगाया बहला फुसलाकर शादी का आरोप। हिंदू लड़कों से शादी करने वाली मुस्लिम लड़कियों को करीम खान की धमकी, 3 लड़कियों की फोटो शेयर कर लिखा, तीनों करने जा रही हैं गैर मुस्लिम से शादी, इनसे शादी करने वालों का सिर कटेगा। दमोह के स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने लिखा कलेक्टर को पत्र, आयोग ने धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाला बताया, 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट। ग्वालियर में एसपी ऑफिस के बाहर मां बेटी ने की आत्मदाह की कोशिश, मिट्टी तेल छिड़कते ही पुलिस ने पकड़ा, नाबालिग रेप पीड़िता बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा